हाँ सर, लेकिन जिस प्रोडक्ट का प्रचार ये जयदेव कर रहा है, उस प्रोडक्ट की आड़ में गुटखा बेचने वाली कंपनीज गुटखा बेच रही है, इस बात का हमारे पास पक्का सबूत है सर। सुपरस्टार जयदेव कुमार को कम करके मत आंकिएगा, वो बहुत बड़ा आदमी है। उसकी एक स्टेटमेंट हमारे डिपार्टमेंट को मुश्किल में डाल सकती है। आप कृपा करके 20 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए और अपनी गर्दन और हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत को बचाइए। सर आप क्या कह रहे हैं, हम 20 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अरे ये सब तो जयदेव कुमार की बदनामी करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। अब आपको तो इंतजाम करना ही होगा, समझ गई आप? माफ कीजिए सर, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मीरा में टेक्निकल फॉल्ट हो गया, उसका इमरजेंसी मोड पता नहीं कैसे ऑन हो गया और उसने ये सब कर दिया। इसमें हमारी या थाने की क्या गलती है सर? संभवतः आप भूल कर रही हैं मिस मलिक, जब मीरा की जिम्मेदारी आपको दी जा रही थी तभी स्पष्ट कर दिया गया था कि मीरा का हर अच्छे और बुरे कार्य का दायित्व तो आप पर है। अगर कोई भी अच्छा काम करती है, कोई भी बुरा काम करती है, तो आपकी और आपके थाने की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, हमने जो कहा वो ध्यान से सुनिए। हम सब जानते हैं, 20 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। सर लेकिन आप हमारी काट दिया। का बोल का डिपार्टमेंट डीएसपी सर कोई भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहे कि 20 लाख हमें ही देने होंगे। कहां से हम कहां से देंगे 20 लाख? कोई हमारे पास पैसे का पेड़ है क्या जो पेड़ को हिलाएंगे और पैसा टपक जाएगा हमारे ऊपर? ये सब उस टीम के डब्बे की वजह से हुआ है। जब से आई है ना मैडम सर, ग्रहण लग चुका है हमारे थाने को। कहां ये टीम, किसको नहीं छोड़ेंगे आज हम? मीरा। यस मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक हेल्प करो, यहां से दफा हो जाओ। तुम जब से आई हो हमारा पूरा कबाड़ हो चुका है। हमारा ये तुमको कबाड़ में होना चाहिए, हमारा सर कबाड़ होता जा रहा है। हम ना तुमको खोल डालेंगे। अम्मा का टोपा होगा, जिंदगी से संबंध टूट गया है क्या? ऐसी मार मारेंगे ना कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुमसा ना देखा। मारेंगे कंटाप, हो जाओगे संताप। आप ही से सीखा है। अगर आप मुझसे लड़ना चाहती हैं तो बेशक लड़ सकती हैं। आज मेरी बैटरी भी फुल है। फिर देखते हैं कौन कहां जाता है, मैं कबाड़ की दुकान में या आप शमशान में। बताइए डायलॉग मारना भी सीख गई इसकी तो। करिश्मा सिंह, मीरा से लड़ना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इस जयदेव को 20 लाख रुपए चाहिए ना, मिल जाएंगे। संतु जी, जो मैडम सर को 20 लाख रुपए का हर्जाना भरना है, उस बारे में क्या सोची आप? हो गया। हो गया? 335 रुपए जमा किए मैंने। उफ, बचत वाली मासूमियत संतु जी। तूने कितने जमा किए? संतु जी, हम जितना जमा किया है ना उसमें मैडम सर का काफी ज्यादा मदद हो सकता है। कुल मिलाकर हम 687 रुपए जमा किए हैं। कहें कि संतु जी, जितना पगार हमको मिलता है उसका एक तिहाई तो घर पर भेजना पड़ता है ना, एक तिहाई का खाना बिछाना, और एक तिहाई में से काट काट कर सिर्फ इतना ही बचा पाए हैं। क्या करें अब हम? और नहीं तेरे पर्स में? नहीं संतु जी, और हमारे पर्स में खाली आपका फोटो है और मम्मी पापा का फोटो है, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सही में कसम से कुछ नहीं है। चल पेट्रोलिंग खत्म करके घर जाते हैं। तुमको तो ले जाकर वहां पर बिलोटे, बिलोटे। देखिए संतु जी, आप पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया अपनी चोरी करने का। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, अपने थाने के लिए, मैडम सर के लिए। वो अकेले 20 लाख का हर्जाना कहां से जुगाड़ कर पाती? इसीलिए ये चोरी का जुगाड़ कर रहा हूं मैं। पिलोटे यार, सॉरी यार, बहुत मार दिए तुमको भाई। बिल्लू जी, आप जानते हैं ना, मैडम सर टच तक नहीं करेगी इन पैसों को। ऊपर से ये चोरी करके आप करिश्मा मैडम को और दुखी करोगे। आप जानते हैं वो गर्व से लोगों को कहती है कि आपने ये चोरी चकारी छोड़ दी है। आप उन्हें गलत प्रूफ करना चाहते हो। तो पैसे कैसे आएंगे? अरे तो पैसा लाने के लिए चोरी करने का जरूरत, अपना किडनी बेच दे। चलो मीरा मैडम, इसको संभाल के रखना है। कहाँ रखे? आपका एनवेलप है, आपको जहाँ छुपाना है छुपाइए। किससे पूछ रहे हैं?
पुष्पा जी एक मिनट, क्या हुआ, क्या है आपके पास? ए, मीरा 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 हो गया, आज का हो गया, बस आ जाओ। बहुत बढ़िया, क्या है पुष्पा जी आपके पास, बताइए। कुछ नहीं। नहीं, आप कुछ छुपा रही, क्या छुपा रही हैं? ये ऑनविलक छुपा रही हैं। धन्यवाद, लाइए। हमसे छुपा रही हैं, हाँ? कुछ नहीं है। पुष्पा जी, ये पैसा, ये इतना सारा पैसा कहाँ से आया? ये तो हमने हमारी पर्सनल सेविंग है। ये आपको और हमारा वेतन मिला के भी इतना पैसा नहीं हो सकता है। और लल्ला जो पैसे लाते हैं वो तो हमारा घर का किश्त में चला जाता है ना, तो क्या डाका वाका डाल दिया आपने? हाँ, यू आर अंडर अरेस्ट, आपने क्राइम किया है। नहीं नहीं नहीं, अरे हमने कुछ नहीं किया, आप थोड़ा पीछे। और क्या आप भी मीरा मैडम के सामने बोलने से पहले थोड़ा तो सोचिए। नहीं तो इतना पैसा कहाँ से आया पुष्पा जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे बचा लेते हैं हम पैसे, आपको नहीं पता। कैसे बचा लेते हैं? हाँ, आपको ओवर एक्टिंग क्या हम समझते नहीं? अरे एक मिनट, आपके कहाँ इयररिंग, किधर है आपके? आपने अपना इयररिंग बेच दिया पुष्पा जी पैसों के लिए? और ये बहुत सारे पैसे हैं, ये इयररिंग में इतने। एक मिनट, आपके बाकी जो घर में आपके जेवर पड़े आपने वो भी बेच दिए पुष्पा जी? जरूरत था आपको बेचने का? हाँ? अरे कान तो देखिए हमारे पक गए हैं, इतना दर्द हो रहा था ना, तो हमने सोचा आज पहनते ही नहीं हम। देख लो मीरा, झूठ बोलने लगी हमारी सास हमसे। झूठी सास? और आप हमसे झूठ बोलेंगी अपनी बहू से, वो भी पुलिस वाली बहू से? हम भी सास हैं आपकी और वो भी पुलिस वाली है, हमको नहीं पता कुछ भी। हाँ, घर में जेवर के खाली डिब्बे देखे हैं हमने, अपनी माँ के सारे गहने बेच दिए आपने। क्या जरूरत थी अपनी माँ के सारे गहने बेचने की? हाँ, क्या जरूरत था आपको अपने माँ के ज्वेलरी बेचने की? अरे हमारी माँ के गहने थे ना, हम जो चाहे कर ले। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हम अच्छे से जानते हैं आप दोनों ये क्यों कर रहे हैं। वो जो जयदेव को 20 लाख रुपए देने, उसी को जमा करने के लिए ना, उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं मैडम सर, जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। 20 लाख हम सबको इकट्ठे, मतलब हम सब देने ही है ना, वो नहीं देंगे तो वो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पता नहीं सब हो जाएगा करिश्मा सिंह, कैसे होगा ये क्या हल है इस समस्या का, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास है पैसे? नहीं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। फिर कैसे समस्या से निकले मैडम सर, आप ही बताइए हमें। आप करेंगे, अब आप ये केस सॉल्व करेंगे, केस सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। समझाते हैं, समझ में आ गया? जी मैडम सर। पुष्पा जी। जी मैडम सर। जिनसे पैसे लिए हैं लौटा दीजिए और अपनी ज्वेलरी ले आइए प्लीज। मैडम सर, मैडम सर। क्या हुआ? मैडम सर, सत्तू अस्पताल से भाग गया। क्या? हाँ। ऐसे कैसे भाग गया? आपने हॉस्पिटल में चेक किया, हो सकता है वहीं कहीं हो। हाँ मैडम, मैंने उसे हर जगह ढूंढा हॉस्पिटल में, वो कहीं नहीं है। तकिए के नीचे ये कागज मिला, देखिए उसमें उसने क्या लिखा है। अब और सहा नहीं जाता, दम घुटता है यहाँ। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, बड़े लोगों की तरह, बड़के भैया की तरह, इसलिए जा रहा हूँ। ढूंढने की कोशिश मत कीजिए वरना फिर से भाग जाऊंगा सतीश। मेरे बच्चे को मिल जाएगा, मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा खुद लौट कर आएगा, हम आपसे वादा करते हैं। सर जूस लीजिए, जूस पीजिए। नहीं नहीं, हम जूस नहीं पीते। और इनको पिलाइए। नहीं नहीं, वो भी नहीं पीती है जूस। का ड्यूटी पे नहीं पीते? चलिए बुलाइए अपनी हसीना मैडम को, बुलाइए। कहाँ है वो? जी वो किसी दूसरे केस के सिलसिले में थोड़ा बाहर गई है। हम ऐसा है करिश्मा सिंह है, आपकी क्या समस्या है आप हमें बताइए। हमको हमारा हर जाना चाहिए, पूरा 20 लाख रुपए, हमारे अपमान का कीमत। बिल्कुल, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आपका अपमान जो है वो हमारी हसीना मैडम ने नहीं किया है, वो ये जो हमारी टीम मेंबर है ASI मीरा, इन्होंने किया है। अच्छा, तो इनसे कहिए कि माफी मांगे। आपके सामने खड़ी है, आप खुद कह दीजिए। चलिए
माफी मांगी। मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। दीका, ये माफी मांग रही है, मोबाइल डेटा खत्म हो गया, उसका अलर्ट मैसेज जारी कर रही है। नहीं नहीं, वो थोड़ा जज्बात से थोड़ा भावनाओं को समझो, मेरा थोड़ा इमोशंस डालो, फिर माफी मांगो। आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब से मैंने आपकी इंसल्ट करी है, खुश-खुश के गिरी हूँ, जी-जी के घुट गई हूँ। प्लीज मेरे सर से ये बोझ उठा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मजाक उड़ा दिया हमारा। लेकिन एक बात याद रखिए, आप लोगों ने जो हमारा मजाक उड़ाया ना, ये मजाक आप लोगों पे बहुत ही भारी पड़ेगा। मिस मीरा, सर सर कहाँ है? सर लोग देख रहे हैं। सर देखिए, हम सोचे थे कि अगर आज माफी मिल जाएगी ना, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे होता का है, माफी तो मिली नहीं, यहाँ पे अपने किए पे किसी को कोना पछतावा ही नहीं हो रहा है। तो हमको भी हमारे किए पे कोना पछतावा नहीं होगा। जाके कह दीजिए अपनी हसीना मैडम से कि 20 लाख रुपए का हर्जाना भुगतने के लिए तैयार है, या तो फिर जेल जाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तो ये केस बनेगा, समझे कि नहीं? अरे चोरी कीजिए, टाका डालिए, उगवाई करो, अरे अपहरण भी कीजिए, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको हमारा 20 लाख रुपए का हर्जाना चाहिए, मतलब चाहिए। पापा शॉट रेडी है? शॉट रेडी है, तब तक आप लोग विचार विमर्श कर लें। प्रणाम। आप करिश्मा सिंह हो ना, महिला थाने वाली? जी हम वही हैं। अब बताइए। आई कैन नॉट बिलीव दिस, आप मेरे सामने खड़ी है, आइडल है आप हमारी, बहुत मानते हैं हम आपको, आपकी वोकल वोकल की बहुत कॉपी करते हैं हम, यकीन नहीं हो रहा कि हम आपसे मिल रहे हैं। आपको याद है आपकी मैडम ने भी कुछ टाइम पहले आपकी हमसे बात करवाई थी? हाँ हाँ बिल्कुल, हमको अच्छे से याद है, हमने आपसे बात किया था। हम आपके बहुत ही बड़े फैन हैं, बड़े होके बिल्कुल आप जैसे बनना चाहते हैं। क्या अंदाज है आपका, आई लव इट। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बड़े होकर काहे, आप अभी हमारी तरह बन सकती हैं। कुछ भी बनने के लिए ना मन में उत्साह होना चाहिए, जो हम देख रहे हैं तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरे, समझे हमारी बात को? आप बनेंगे हमारी तरह, चलेंगे हमारे साथ, हम सिखाएं आपको। कहां तक बचबा, तुम्हारा मौत तुम्हारे सामने खड़ी बा। काट काट, ओके गुड शॉट। रेवा मेरी बढ़िया का? पता नहीं सर, अभी तो इधर ही थे। रेवा रेवा, अरे चोरी कीजिए, टाका डालिए, उगवाई करो, अरे अपहरण भी कीजिए, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। लगता है महिला थाने वाले हमारी बिटिया को ले गए। हमारी बेटी कहाँ है? जयदेव जी आप यहाँ? जयदेव भैया आपको बता नहीं सकते, हम आपका कितना बड़ा फैन है भैया, आपका सारा फिल्म लाइन से देखे, हम बाल उखाड़ देंगे, टकला फाड़ देंगे, नदिया पार सैया फरार। अरे इनका फिल्म का डायलॉग भी हमको याद है, वो वाला, रुकिए हम दिखाते हैं। बड़का लोग मौत से नहीं डरा रहा है, मौतवा बड़े लोग से डरी रही है। भैया ऑटोग्राफ दे दीजिए हमको भैया। मुझे बेटी कहाँ है? आपकी बेटी कहाँ है हमें कैसे पता होगा? ये तो आपको पता होगा ना कि वो कहाँ है। हमें कैसे पता होगा, आप लोगों को ही पता होगा ना कि हमारी बेटी कहाँ है। नहीं नहीं जयदेव भैया, आपको ना कुछ गलतफहमी हो गया है, ये थाना है, यहाँ पर बिटिया रानी का क्या काम आपके? हमें नहीं पता। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो यहाँ है? क्योंकि आप लोगों ने उसे किडनैप किया, आप लोगों ने। नहीं शिव शिव शिव, ये सुनने से पहले हमारे कान फट क्यों नहीं गए, इतना घटिया इल्जाम, वो भी पुलिस वालों पर। भैया वैसे तो पर्सनल लेवल पर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन एक और इल्जाम पुलिस वाले पर लगाया जाता। अरे जयदेव जी आप यहाँ, हम तो खुद अभी आपको कॉल करने वाले थे, फिरौती के लिए ना। और तो फोन करने की क्या जरूरत है, हम खुद ही आ गए हैं। बताइए कितना पैसा चाहिए आपको? नहीं हम पैसा देने के लिए तैयार है ना, लेकिन हमारी बेटिया को कुछ नहीं होना चाहिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को। ओ माँ ये तो कमाल हो गया, पैसे लेने वाले पैसे दे रहे हैं। इट्स ऑरेंज रे रे स्ट्रेंज। एक मिनट, अब ये अब क्या कह रहे हैं, पैसा फिरौती, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत अच्छा मतलब समझ रही है आप, बताइए
कहाँ छुपा के रखा है हमारी बेटी को? जयदेव जी, हम पुलिस वाले हैं, हम किडनैपर्स को पकड़ते हैं, किसी को किडनैप करते नहीं है। और हाँ, आपकी बेटी हमारी ऑफिसर करिश्मा सिंह के साथ है और बिल्कुल सेफ है, और वो भी अपनी मर्जी से, बस आपको बिना बताए आ गई थी, इसलिए हमने सोचा कि आपको कॉल करके बता देते हैं कि वो यहाँ है। मर्दे झूठे टेंशन ले रहे थे आप भैया। तो कहाँ है, कहाँ है वो? आइए। अम्मा, हम बहुत बढ़िया खेलती हो, तुम बताना पड़ेगा हमें। हाँ मैम, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हम आपके साथ खेल रहे हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैम, हमको ना एकदम आप जैसा बनना है। अच्छा, बोकाल भवाल कमाल। वाह, पर तुम हमारी तरह हो। हर इंसान में करिश्मा सिंह होती है, पता है, बस उसको ना ऐसे बाहर निकालना पड़ता है अपने अंदर से। वो राज ना हमको पता है सिर्फ। अगर वो तुमने कर लिया ना, तो तुम भी एकदम करिश्मा सिंह बन जाओगी और तुम्हारे अंदर का भौकाल भी एकदम बाहर आ जाएगा। जानना है वो राज? हाँ मैम, बताओ ना। अभी बताते हैं, रुको। इसको हम पीते हैं ना, ये हमारे अंदर जाता है और हमारा भौकाल एकदम बाहर आ जाता है। हम सच बता रहे हैं तुमको। देखो, अभी देखो कि तुम क्या। अब आएगा हमारा भौकाल बाहर, अब हम तुमको। अरे ये क्या कर रही है? अरे भैया, और आप एक महिला पुलिस अफसर हो के बच्ची से ऐसा गंदा काम कराती है? शराब पिला रही है आप उसे? कहाँ बात कर रहे हैं आप? और क्या शराब का कहाँ नाम ले रहे हैं आप बच्ची के सामने? आपको शर्म लिहाज है कि नहीं है? हाँ, और ये इसमें शराब नहीं है, इसमें पानी है ना। आपको विश्वास नहीं होता है, आप टेस्ट करके देखिए। देखिए देखिए देखिए। अरे हटाइए, हम इसलिए ये सब कुछ नहीं पीते। और ये बच्ची है, इसका क्या पता कि बोतल में शराब है कि पानी है? इतनी सी बच्ची को समझ में तो आता होगा ना कि पानी और शराब में क्या फर्क होता है। एक जान लेता है तो एक जान देता है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? तो इतना फर्क नहीं समझ में आएगा। हम कहेंगे पी जाओ तो पी जाएंगी क्या? अब बताइए क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे पता होगा इसे? ये आपकी बड़ी फैन है, आप ही का तो उदाहरण लेके ये बड़ी होगी। आप जो करोगी ये वही करेगी, अपने आप में ये वही उतारेगी। आपको इतना समझ में नहीं आता? अच्छा, तो मिस्टर जयदेव एक बात बताइए, क्या आपके फैंस के लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आपके वो फैंस, हजारों लाखों लोग, वो छोटे छोटे बच्चे जो आपको इतना पसंद करते हैं, आपसे इतने प्रभावित हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपको कॉपी करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी जिम्मेदारी, उसका क्या? आपको नहीं लगता कि इस तरह के पान मसाला गुटखा का ऐड करके आप उन लोगों में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उन्हें गलत राह पर भेज रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं? तजुर्बा कहता है हमारा, बड़े नाम के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और ऊपर वाला उन्हीं को बड़ा नाम देता है जो इस जिम्मेदारी को निभाने लायक होते हैं। सो प्लीज, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, पहचानिए, और इस तरह से मौत का प्रचार करना प्लीज बंद कीजिए। यही है एक सच्चे कलाकार का धर्म। पापा, वो सही कह रहे हैं। जी मैडम। आज हम अपने दर्शकों से कुछ अनुरोध करना चाहते हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। कभी कभी इंसान किसी ना किसी लालच के चलते कोई ऐसा काम कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, पर जब वक्त का आईना उसे उसके अच्छे और बुरे कर्म का अक्स दिखाता है, तब उसे पता चलता है कि वो कितना सही था और कितना गलत। और आज हम कुछ गलत को सही करना चाहते हैं। हम एक सेलिब्रिटी है, हम इस बात को भूल चुके थे कि लोग हमसे कितना प्यार करते हैं, हमें अपना आदर्श मानते हैं, बच्चों के हम हीरो हैं, हम जो कुछ भी करेंगे लोग उसका सीधा अनुसरण करेंगे, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो कुछ भी करें वो सोच समझ कर करें। मजेदार पान मसाला इस कंपनी का उत्पादन का प्रचार करके हमने अपना जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया है। हमको नहीं पता था कि पान मसाला की आड़ में गुटखा कंपनी गुटखा जैसा खतरनाक बीमारी उसके अंदर बेच रहा है। खैर, इस कंपनी के खिलाफ हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, कुछ कानूनी अड़चने हैं, और इस बात का हमें बेहद अफसोस रहेगा। लेकिन एक चीज हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं, विनती। हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यह पान मसाला, ये गुटखा तंबाकू, इन सब चीजों से दूर रहिए। ये सब जानलेवा बीमारी है, इनका सेवन भी ना करें आप। और ये हम कह रहे हैं आपके बड़के भैया, आपके सबके चहेते जयदेव कुमार।
आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा गुटखा। जयदेव कुमार जी के इस वीडियो ने ना सिर्फ कई लोगों के गुटखा तम्बाकू के सेवन को दूर किया है, बचाया है, जागरूक किया है, बल्कि कई सेलिब्रिटीज को भी प्रेरित किया है और उन्होंने भी इस तरह के सभी विज्ञापनों से अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने जो कुछ भी किया। अब समझ ही गए तो फिर से गलती दोहराना मत, और हाँ अपने दोस्तों को भी इसके बारे में अवेयर करो। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिर्फ मेरे बेटे की नहीं, मुझ जैसे कई माओं के बेटों को नई जिंदगी दी है, इसलिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ और इस थाने को बहुत सारी दुआएं देती हूँ। भगवान करे इस थाने की जादू की छड़ी यूं ही काम करती रहे और लोगों के काम आती रहे। आपके और आपकी टीम के लिए ये तो बनता ही है।